उंड ऑफ लॉक दीपांकर एक्सवाई टी की एक और वीडियो में आज हम बात करेंगे एक्सपेंशन के बारे में और ये जे जे के वर्ल्ड में इतना खास क्यों है? और मैं एनिमे प्लस मांगा दोनों कवर करूंगा तो स्पॉइलर अलर्ट

करना और समझाना है मगर आप लोग चिंता मत कीजिए मैं हूँ यहाँ पे इस टेक्निक को मैं आपको बहुत अच्छे से ही समझाऊंगा मैं आपको डोमेन एक्सपेंशन के कुछ सीक्रेट फैक्ट्स भी बताऊंगा और मैं आपको मांगा प्लस एनीमे दोनों एक्सप्लेन करूंगा तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इन टेक्निक्स को किसने इस्तेमाल किया है नंबर वन बैरियर टेक्निक ये सबसे मोस्ट कॉमन टेक्निक है जिसमें आप अपने आसपास की सराउंडिंग को एक बैरियर बना के मैनुपलेट कर सकते हैं और अपने पास एक ब्लैक होल टाइप शील्ड बना सकता है जैसे अपने गोजो सिंसे के पास लिमिटलेस पावर है कर्टिन ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपने को अपने ओपोनेंट से बचा सकते हैं या फिर अपने ओपोनेंट को ट्रैप कर सकते हैं ये आपके अपोनेंट को नहीं दिखेगा या फिर किसी से भी आप इसको छुपा सकते हैं वो इसके अंदर नहीं आ सकता है और ये मेनली सोर्स यूज करते हैं जब भी उनको किसी भी कर्स को छुपा के मारना होता है न्यू स्टाइल सिंपल डोमेन ये एक ऐसा डोमेन है जो कि अपने यूजर को बचाता है दूसरे डोमेन से इन अ डोमेन ये एक ऐसा डोमेन है जो कि अपने माइंड में यूजर बनाता है नाउ एवरीथिंग इज क्लियर नाउ मूव टू डोमेन एक्सपेंशन डोमेन एक्सपेंशन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुप्रीम टेक्निक है किसी भी जे जे के वर्ल्ड के कैरेक्टर के लिए इसमें यूजर अपने अंदर के कर्स एनर्जी को महसूस कर सकता है और उसमें एक बैरियर बना सकता है जिसमें वो अपने टारगेट को उसमें डाल सकता है और डोमेन एक्सपेंशन की पावर उसके इनर कर्स एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है अगर एक बार यूजर का टारगेट इसके अंदर आ जाए तो यूजर की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि यूजर को एक गारंटीड हिट मिलेगा रिक्वायरमेंट एंड हाउ टू एक्टिवेट हैंड साइन यूजर इसको कुछ हैंड साइन यूज करके एक्टिवेट कर सकते हैं हमने मांगा और इनमें दोनों में देख रखा है ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम किसी भी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल बिना किसी ड्रॉबैक के नहीं कर सकते हो तो आपको जैसे पता होगा कि एक इनर डोमेन बनाने में बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी का यूज होता है और एक बैरियर बनाने में उससे भी ज्यादा कर्स एनर्जी का यूज होता है

पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि हम एक पावरफुल टेक्निक को कैसे काउंटर कर सकते हैं तो डोमेन डोम काउंटर करने के लिए बेसिकली दो तरीके हैं ऑटोमेटिक काउंटर करने के लिए सबसे अच्छा है इसको आप एक करजी ब्लास्ट से यूज कर सकते हैं इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है और ये मेथड बहुत ज्यादा इम्पैक्टिकल होता है इसे अच्छा तरीका है ले योर ओन अपना एक खुद का डोमेन बनाना इसमें जैसे ये है कि अगर तेरे पास है तो ले मेरे पास भी और ये पहला हमने देखा था जोगो वर्सेस गोजो की फाइट में मांगा में गोजो ने बोला था कि अपना एक डोमेन बना के किसी के भी डोमेन को काउंटर किया जा सकता है इसमें दोनों का ही डोमेन एक्सपेंशन क्लास करते हैं और जिसका भी डोमेन एक्सपेंशन ज्यादा अच्छा होगा वो बच जाएगा यूजिंग अ डोमेन इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रॉगर डोमेन जब ये क्लैश होता है तो उसमें एक छोटा सा होल होता है और उसमें से यूजर खुद को बचा के निकल सकता है ना लेट्स टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस इट इज़ और इट इज नॉट ये बहुत अच्छा है कि तुम्हारे पास डोमेन एक्सपेंशन है जे जे के वर्ल्ड में बट 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 अगर तुम्हें डोमेन एक्सपेंशन नहीं करना आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ और नहीं कर सकते हो तो जी मां की यूना ये सब बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर हैं मगर अभी तक इन्होंने अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूटिलाइज नहीं किया है मांगा में तोजी वर्सेस ड्रैगन माकी वर्सेस जेनिन क्लैन मेंबर्स यूटा वर्सेस गेटो कलैन मूवी जीरो अगर कोई पर्सन डोमेन एक्सपेंशन का यूज नहीं कर सकता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे पर्सन की हड्डियाँ नहीं तोड़ सकता है एक डोमेन एक्सपेंशन एक बंदे को बहुत ज्यादा बूझ दे देता है इसलिए एक डोमेन एक्सपेंशन होना बहुत ही अच्छी चीज़ है Now their their domain domain and their function. Number one, Sakuna, Mellowin, Shrine range 200 meters. slashing attack बचना impossible है जो मांगा पढ़े होंगे उनको पता होगा जोगो का क्या हाल हुआ था जब वो सकुना से लड़ा था नंबर टू शत्रो जो इन्फिनेटी वर्ड रेंज अनोन जब टारगेट इसके अंदर कैद हो जाता है तब उसके दिमाग के अंदर एंडलेस इंफॉर्मेशन भरती रहती है सिंपली व्हेन यू इंटर्ड योर ब्रेन इज डेड नंबर थ्री जोगो कॉफिन ऑफ आयरन माउंटेन रेंज अनोन इसके अंदर कोई भी सोर्सर कैद होते ही तुरंत मर जाएगा क्योंकि ये एक लार्ज वोल्केनो टाइप है जिसके अंदर इतनी हीट है जो कि तुम्हारी हड्डियां भी जला सकता है माही तो सेल्फ एम्पावरमेंट ऑफ परफेक्शन रेंज अनोन माइटो तो को सिर्फ अपने अपोनेंट को छूना होता है टू मैनिपुलेट हिज सोल मैं इसके आगे कुछ बोला तो बहुत बड़ा स्पॉयलर हो जाएगा तो चलो आगे बढ़ते हैं डैगन होराइजन ऑफ कैपेटिवेटिंग सकंदा रेंज अननोन अगर रेंज सबकी अननोन ही है अगर किसी को भी सकुना के अलावा रेंज पता है तो फिर प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इसमें वो काफी सारी फिशस का यूज करता है मैगुमी फुशिगिरो सिमेरा शैडो गार्डन रेंज अनोन अगर आपको याद होगा कि जब सुशीगुरु ने अपना इनकम्प्लीट डोमेन एक्सपेंशन यूज किया था उसमें से वो एक डार्क डीमन बुला रहा था मैं और सुकना दोनों इसका फुल फॉर्म डोमेन एक्सपेंशन देखना चाहते हैं लास्ट पर नॉट लीस्ट सूडो गेटो स्मॉल पॉक्स डी इस डोमेन एक्सपेंशन का आप यूज करके अपने अपोनेंट को एक कॉफिन में बंद करके जमीन में गाड़ सकते हो और अगर तीन की गिनती तक आपका टारगेट वहां से नहीं निकल पाया तो स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट हो जाएगा और इंस्टेंट डेथ और वो मरेगा कैसे चलो अब मुझे कुछ नहीं पता चलिए मैं मिलता हूँ बाय